हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मोहम्मद भा मिर्ज़ा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कैट 2024 के एम सी क्यूज़ को। तो ई कैट में बेसिकली हमारे पास 100 एम सी क्यूज़ होते हैं, जिसमें मैथ के 30, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और इंग्लिश के 10 एम सी क्यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ को। ऐसे स्टूडेंट जो कि ई कैट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट meetdummy.com से अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज गिवन विच हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ हमारे पास चार डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। तो हमने बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं ऐसा एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर 15 होते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे फॉस्फोरस। ये हमारे पास दी गई है एलुमिनियम की, जो कि ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग कर रहा होता है। और ये हमारे पास क्लोरीन की दी गई है, सी ऑप्शन की। और लास्ट हमारे पास दी गई है सिलिकॉन की। और हमें पता है आयोनाइजेशन जो एनर्जी जो होते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही होती हैं। तो क्लोरीन राइट साइड पर होते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सो सी ऑप्शन इज राइट। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोप्लेनर मॉलिक्यूल। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं C2H4, सेकंड वापस आ जाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, थर्ड वापस आ जाते हैं सी क्लोरीन 2 क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल, और सेकंड वापस आ जाते हैं C2H2। तो सी ऑप्शन जो होता है, ये हमारे पास प्लेनर कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि बाकी जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल वो क्या है, कोप्लेनर है। फिर ऑप्शन MCQ नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं, मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व द रिलेटिवली फ्री मूवमेंट ऑफ देयर स्पेस थ्रू आउट द मेटेलिक लैटिस। फर्स्ट ऑप्शन वापस इलेक्ट्रॉन, सेकंड वापस आ जाते हैं एटम, थर्ड वापस आ जाते हैं मॉलिक्यूल, और लास्ट वापस आता है आइन। तो मेटेलिक कनेक्शन जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे होते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। एमसीक्यू हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन वापस है एथेनॉल, सेकंड वापस है एथेनॉल, थर्ड वापस आ जाते हैं प्रोपानॉन, और लास्ट वापस आ जाते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वहाँ पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे होते हैं। डेल्टा ऑप्शन इज राइट। इथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद द अमोनिया टू प्रोड्यूस। तो यहाँ क्वेश्चन वापस इथाइल आयोडाइड जो होगा, जब इसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया का, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन वापस इथाइलामाइन, सेकेंड वापस इथेन, थर्ड वापस आ जाते हैं एथेनॉल, और लास्ट वापस आ जाते हैं मेथेन। सो इथाइल आयोडीन का जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे हम, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इथाइल अमाइन होगा। ए ऑप्शन इज राइट। एमसीक्यू हमारे पास, द कैटलिस्ट विच प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ हाइड्रोजिनेशन एट रूम टेम्परेचर। द फर्स्ट वन इज मर्करी, सेकेंड वापस निकल, थर्ड वापस आ जाते हैं सिल्वर, और लास्ट वापस आ जाते हैं प्लाटिनम। सो इसका सही ऑप्शन वापस है डेल्टा प्लाटिनम। एमसीक्यू हमारे पास, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है 1-butene, जितने भी हमारे पास टर्मिनल मॉलिक्यूल होते हैं 1-butene होगा, ये भी नहीं शो करेगा। 1-chloro-2-bromopropane ये शो करेगा, जबकि 1-hexene ये भी नहीं शो करेगा। 1-1-dichloropropane ये भी नहीं शो करेगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल क्लोरोग्रीन के एक ही कार्बन के साथ अटैच है। सो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है 1-chloro-2-bromopropane। एमसीक्यू हमारे पास, इन जनरल द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक फैमिली डिपेंड अपॉन। तो ऑर्गेनिक फैमिली के जो होते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड कर रही होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, सेकंड वापस है डबल बॉन्ड, थर्ड वापस है नंबर ऑफ द कार्बन एटम, और लास्ट वापस आ जाते हैं मोलिकुलर मास पे। तो ये डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। ए ऑप्शन इज राइट। एमसीक्यू हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द मिनिमम नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट वन इज टाइटेनियम एंड वेनेडियम, सेकंड वापस मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन आयरन, थर्ड वापस आ जाते हैं क्रोमियम एंड कॉपर, और लास्ट वापस आ जाते हैं कॉपर एंड क्रोमियम। सो इसका सही ऑप्शन वापस है सी क्रोमियम एंड कॉपर। द फंक्शन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन अ रिएक्शन इज टू रिमूव। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है हम जब यूज कर रहे होते हैं, तो इसका बेसिक फंक्शन होता है टू रिमूव द वाटर। एमसीक्यू हमारे पास, अलॉन्ग द पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, दिस ड्यूल
डिक्रीज इन द रेडियस इज ड्यू टू, फर्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द शेल, सेकेंड हमारे पास इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, थर्ड हमारे पास आ जाता है इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, और लास्ट हमारे पास आ जाता है डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो पीडीएफ में वापस जो होते हैं एटॉमिक रेडियस इसलिए इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा होता है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में इंक्रीज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एमसीक्यू द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू ए बी प्रोडक्ट इज, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज फ्रॉम थ्री टाइम बाई कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट, देन हमारे पास बताना है वट फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 6, 9, 27 और लास्ट वापस आ जाते हैं 3, क्योंकि यहाँ हमने ए को कांस्टेंट कर दिया है और इसकी कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम इंक्रीज कर देती की है, तो इसका आंसर होगा वापस 9। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन आर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिस्पेक्टिवली, और दीज वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारे पास है एक्सोथर्मिक, सो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एक्टिवेशन एनर्जी जो कि बैकवर्ड रिएक्शन की वो ज़्यादा होगी देन फॉरवर्ड रिएक्शन से। क्वेश्चन हमारे पास